तो संगठन में जिनकी ग्रिप और काम करने की क्षमता और इनके साथ मोहन जी एक ऐसी जोड़ी थी जिससे मैंने भी कुछ सीखा काम करना, ऐसे राकेश जी, मोहन जी, लवीर जी, कुशल संचालक बालाजी, सभी आयोजकगण जिन्होंने आयोजन किया, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, यह मातृशक्ति की संख्या में बड़ी देखा हो। इसलिए जब श्रीमती जी को याद आ रहा था, भतीजी विदिशु को याद आ रहा था, ये ग्रेटर नोएडा में रहती है, तो सोच रहा था कि ले जाऊं या ना ले जाऊं, लेकिन लगा कि यहाँ पर मातृशक्ति भी पूरे दल बल के साथ मौजूद है, तो मेरा निर्णय सही रहा, ये मैंने महसूस किया मन भराकर। सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा कि मैं थोड़ा विलंब से आया। विलंब से क्यों आया इसकी पोल में नहीं बोलूंगा, नहीं आप तो ठीक है, मैंने कहा पोल नहीं बोलूंगा, कुछ मजबूरियां होती है और मजबूरी के कारण विलंब हो जाता है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होगी, मजबूरी थी, अगर कहीं और भी वफाई करता तो आपके साथ वफा होती, आपसे वफाई तो कहीं और वफा कर रहा था। अभी मैं सुन रहा था वक्ताओं को, पाठक जी से लेकर गौतम जी, महेश जी भाई के सबको सुना, उसमें एक बात निकल कर आई है, मैं वहां से शुरू करूंगा अपनी बात को, कि ब्राह्मण के अंदर आशीर्वाद देने की अद्भुत क्षमता होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसकी भावना होती है और उसके आशीर्वाद ऐसे होते हैं कि फलते हैं, ऐसी भी एक अद्भुत क्षमता ईश्वर में होती है। लेकिन ये क्षमता कैसे पैदा हुई, विषय ये है, और अगर कहीं क्षरण हो रहा है तो आज क्यों हो रहा है, ये चिंतनी हमको आत्मचिंतन करना चाहिए। ये भ्रमण तो है, इसलिए दुनिया नतमस्तक होती है हमारे श्री चरणों में, और इसलिए हमें आशीर्वाद देने की ईश्वर शक्ति देता है कि तुम जो बोलोगे किसी के सुख में वो होगा। अभी परशुराम जी का भी जिक्र आया कि हम उनके वंशज हैं, परशुराम जी का भी विलक्षण व्यक्तित्व तो था, और कितनी बड़ी शक्ति थी, नैतिक बल, आत्मबल, सामाजिक शक्ति का बल, जिसमें होगा वही व्यक्ति इतना मुखर होकर बात कर सकता है। जब शिवजी का धनुष टूटा, परशुराम जी को मालूम पड़ा, वो वहां दरबार में पहुंचे जनक के, और जब क्रोधित होकर बोले, उन्होंने कहा कि नाथ संबोधन भंजन हारा, ये सब आपने सुना होगा, उन्होंने कहा किसी आपके सेवक ने किया है, तो उस पर क्रोधित बोले और उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को चुनौती देते हुए कहा कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जय है सब राजा। इतनी बड़ी चुनौती ब्राह्मण दे सकता है, समस्त राजाओं के उस समय जो मौजूद थे, और एक व्यक्ति चुनौती दे रहा है क्योंकि उसके पास आत्मबल है, क्योंकि उसके पास नैतिक बल है, उस पर सामाजिक शक्ति है उसके पीछे खड़ी, आध्यात्मिक शक्ति उसके साथ है। नहीं, उस दरबार में तो बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा महावीर, रावण जैसा शक्तिशाली भी मौजूद था उस समय, और वो कहते हैं न तो मारे जय है सब राजा। यह शक्ति ब्राह्मण के पास है मित्रों, वही बोलते तो उस शक्ति का संचय हमको करना होगा।
निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करना, समाज के लिए समर्पित होना, जनहित में आगे बढ़ना, निजी स्वार्थों को परित्याग करके व्यष्टि नहीं समष्टि के बारे में सोचना, यही ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण कौन है तो समझिए यही ब्राह्मण, अपने लिए नहीं समाज के लिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हो मातृभूमि, मैं तुझे कुछ